이거들이 हड्डी के डॉक्टर हैं, दलहनी में बैठते हैं, यही गांव के निवासी हैं। सर हेलो, जल्दी में डॉक्टर साहब, बहुत बहुत लेट हो चुका है। अब हम चाहेंगे सारे लोग से माफी मांग कर कि किसी को न बुलाते हुए हम मानिए ले श्री रमेश कुशवाहा जी, साथी अमर कुशवाहा जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी, बहुत सारे नेता लोग तो नीचे बैठे हुए हैं, कुछ लोग गाड़ी में ही होंगे। बहुत लम्बा काफिला है यहाँ। सफदर इमाम साहब हैं, परशुराम यादव जी हैं, राजीव जी हैं दरभंगा के साथी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, अरुण कुशवाहा जी हैं सलाम के साथी, सत्येंद्र जी, योगेंद्र चौहान जी, मेजर साहब कैबो से हैं, राम प्रकाश सिन्हा जी चंपारण से हैं, बसंत चौधरी जी हैं, रवि उज्जवल जी हैं, प्रवीण सिंह जी, नागेंद्र यादव जी, ललन कुशवाहा जी, पंकज कुशवाहा जी, मोहम्मद मुमताज वारसी साहब, शत्रुघ्न कुशवाहा जी, संतोष चंद्रवंशी जी। बड़ी से हम लोगों ने शुरुआत की थी गांधी जी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण भरवा से, और वहाँ से गांधी जी के चरणों में सर झुकाते हुए हम आगे बढ़े, और बाद में मुजफ्फरपुर जाकर शहीद जुम्मा सामने उनके स्मारक पर हम लोग गए, फिर शहीद रामपुर मंडल साहब उनके पैतृक गांव में हम गए सीतामढ़ी, फिर उधर से सूरज बाबू मधुबनी उनके गांव में गए, और फिर फणीश्वरनाथ रेणु जी उनके गांव में गए अररिया जिला में, फिर उधर से पीपी मंडल साहब जो उनका गांव है मधेपुरा शहर के बगल में वहां गए, और उधर से होते हुए फिर हम आए जनरल कर्पूरी ठाकुर जी का पैतृक गांव समस्तीपुर, और फिर दूसरे चरण में भी हम लोग भागलपुर तरफ से होते हुए आ रहे हैं। इसमें बरबीघा से पूरा भी है, जहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का उनका स्मारक है, वहाँ उनका वहाँ हम लोगों ने सर झुकाया, और फिर उधर से होते हुए दशरथ मांझी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी उनका जो स्मारक है गया जिला में वहाँ गए, और फिर सासाराम का, और इतना समर्थन हर जात धर्म के लोग, जैसे जैसे कारवा बढ़ता गया वैसे वैसे लोग उसमें जुड़ते चले गए, तो बड़ी बड़ी संख्या में हर जगह लोग हमारे साथ आए हैं, और सब लोगों को देखकर तो आप लोग यहाँ हमारे साथ लोग हैं, सब लोगों का चेहरा आपका उत्साह देखकर तो लगता है कि निश्चित रूप से जितने उत्साहित आप और बाकी जात के लोग उनको मिले हैं उसको देखकर साफ है कि दुनिया की कोई जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड का जो कुंडवा था सब टूट कर हम लोगों के साथ आ जा रहा है, जिला का जिला खाली हो जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड को एक तरह से समझिए जब सीधे खाली डब्बा बच गया है, लेवल आगे जरूर है लेकिन अंदर में माल पूरा खाली, कुछ नहीं अब बचा है जनता दल के लिए, खाली डब्बा सीधे ठंडन करने के लिए मुख्यमंत्री जी दिए हुए हैं, और ऐसा और किसी के कारण नहीं हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो कहा जाता है कि आदमी अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मार लेता है, तो खुद से नीतीश जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। घर का गार्जियन ऐसा कम देखने को मिलता है जो ऐसा काम करे कि घर का सब लोग बाहर हो जाए और अकेले मालिक बच जाए, ठीक उसी तरह का काम नीतीश कुमार जी ने किया। कितना अच्छा चला रहे थे नीतीश जी, कितना अच्छा चला रहे थे, और अचानक से उनके मन में क्या आया, किसी ने कहा
जब हम बिहार को हम नहीं चलाएंगे। 2005 में जो लोग बिहार चला रहे थे, जहां से नीतीश जी बिहार को निकालकर आपकी मदद से बाहर लाए, इन्होंने कहा कि फिर से बिहार पर वही पहुंचा दे। अब बताइए बिहार को आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए? सब कोई चाहेगा, बिहार का आदमी एक एक आदमी बिहार का यही चाहेगा कि बिहार आगे बढ़े। और नीतीश जी कह रहे बिहार आगे नहीं, फिर से 2005 में। अब बताइए उनके इस निर्णय में कैसे कोई समर्थन उसका कर सकता था? हम लोगों ने भी पक्का बैठ कर तय किया। पहले तो बहुत प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, नीतीश जी समझ जाइए, ऐसा मत कीजिए, पार्टी बर्बाद हो रही है, जनता यूनाइटेड धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, आपके एक्शन के चलते नहीं माने। लगातार कोशिश के बाद भी नहीं माने, और नहीं माने तो हम लोगों ने कहा कि अब आपकी मर्जी है भैया, पार्टी को आप जो भी कीजिए, आपकी पार्टी है यहाँ रखिए। लेकिन दूसरा जो आपका निर्णय है कि हम बिहार को हम वही पहुंचा देंगे जहां से बिहार बाहर आया है, इस काम में हम लोग इस काम को नहीं होने देंगे। हमने नीतीश कुमार जी से कहा बिहार को वहाँ नहीं जाने देंगे। और बाकी 2005 में जो लोग सरकार या उसके पहले चला रहे थे, उनके नाते बिहार कैसा चल रहा था? हर तरह से तंग, दबाव, परेशान बिहार था, चारों तरफ अराजकता का माहौल, नरसंहार का सिलसिला, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं। तो फिर से उसी तरह का राज्य नीतीश जी, उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय उनका, हम लोगों ने इतराज नहीं किया और हम लोग निकल पड़े हैं आपके बीच यही कहने के लिए कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए, ताकत दीजिए। देखिए इस इलाके के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, अधिकांश लोगों ने संघर्ष के रास्ते पर आया। हम वहां जाने के लिए नहीं, वहां हम आराम से रह सकते थे, हमको तो जगह मिली हुई थी, आराम से ठंडा घर में रहते, सदन के अंदर हम थे ही, लेकिन वहां रहते एक ही शर्त थी ना, उस शर्त को हम मान लेते थे, आराम से हम रहते। शर्त क्या थी? शर्त थी कि नीतीश कुमार जी कहते लाल कृष्ण छाप जिंदाबाद, और हमको पीछे से कहना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद, यही शर्त थी। अब इस शर्त को हमको नहीं स्वीकार करने वाले। हमने कहा नीतीश जी से कि आपको लालटेन में चलना है तो जाना है तो चल जाइए, हम लोग हैं लालटेन में जाने वाले, हम लोग नहीं जाने वाले, आप जिंदाबाद करते रहिए। बिहार के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आप उसी लालटेन को मटिया मेट कीजिएगा, आप लालटेन में को जलाने के लिए फिर से चल पड़े, वो आपकी मर्जी, आप जाइए, लेकिन हम लोग आपके साथ साथ बिहार को नहीं जाने देंगे। और इसीलिए उनको बोल कर चले आए, हम सब लोग मिलकर बिहार भर में आपसे यही कहने आए कि बचाइए बिहार को, बिहार वहां नहीं जाना चाहिए, वहां चला जाएगा बिहार तो बहुत बड़ा बिहार का नुकसान हो जाएगा, बिहार फिर से उसी पुराने दौर में लौट जाएगा जिस वक्त हर तरह से तंग, तबाह, अराजकता की स्थिति थी। बिहार को बचाना है तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आपकी ताकत चाहिए, आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको हम गारंटी के साथ विश्वास दिलाते हैं कि बिहार को न सिर्फ हम लोग पुराने दिनों में लौटने से बचाएंगे, बल्कि आगे चलकर बिहार को बचाने के साथ साथ बनाने का भी काम करेंगे, पढ़ाने का भी काम करेंगे। इसी मकसद से आपके बीच आए हैं, उसको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जरूर साथ दीजिएगा। आगे और भी बहुत जगह जाना है, इसलिए आप सब लोगों ने इतना अच्छा इंतजाम किया। अभी संजय मेहता बता रहे थे, उन्होंने घोषणा की, हम लोगों को तो पहले निमंत्रण दे दिया था कि आइएगा तो उधर खाना हो खा लीजिए, लेकिन यहाँ भी इंतजाम है तो हम लोग आए हैं, लेकिन संजय मेहता ने कह दिया कि हम मात्र 2000 आदमी का इंतजाम है। अब 2000 आदमी का इंतजाम है भाई, जो 2000 पहले ही थे तो हम लोग कहाँ खाएंगे? हम लोग सीधे कहा इसमें कि 2000 आदमी का इंतजाम है, अब 2000 आदमी का इंतजाम है, 2005 हुआ तो 5 आदमी को जाना पड़ेगा, अब ऐसा इंतजाम आगे से कृपा करके ऐसा इंतजाम मत करना, 2000 आदमी का इंतजाम है, अब आगे से इंतजाम हो तो इंतजाम हो, संख्या देख कर सीधे सीमा मत बांधने का काम करिए।
भाई और मित्रों भोजन में सीमा बांध दिए, लेकिन आशीर्वाद देने में सीमा मत बांधिए, भरपूर दीजिएगा, पूरा पूरा दीजिएगा। तमाम जाति धर्म के लोगों को आग्रह है, सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कभी खाने का इंतजाम है, डॉक्टर अरुण लग गया।